हाय एवरीवन वेलकम टू टू द पॉइंट अ सेवन मिनट करंट अफेयर सीरीज आज का जो बच्चे हमारा टॉपिक है ये आई थिंक इस टॉपिक से आप सभी लोग ना बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे इट इज अबाउट रैगिंग कि रैगिंग फर्स्ट ऑफ ऑल होती क्या है ठीक है जी इसको सुप्रीम कोर्ट डिफाइन कैसे करता है राइट इसका साइकोलॉजिकल कारण क्या है प्लस हमारे लीगल प्रोविजन इसके ऊपर क्या है और यूजीसी इसके ऊपर क्या करता है राइट सो so, ये एक आपका सोशल uh, प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है प्लस ये जो टॉपिक है आपके गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है साथ में वीडियो के एंड तक जाते जाते स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ एज वेल कि बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस किसे बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किसे बोलते हैं कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है राइट चलिए सो लेट्स बिगिन विथ टूडे टॉपिक ये एक ऐसा टॉपिक है क्योंकि आप लोग सारे आई थिंक अभी या तो कॉलेज में पढ़ रहे होंगे या उससे पास आउट हो चुके होंगे इस टॉपिक से आप काफ़ी हद तक आप रूबरू हो रखे हो आपका रापता इससे ऑलरेडी है हमने यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल वे से समझना है इस पूरी चीज़ को अगेन जैसे मैं क्लास में बच्चों को रिमाइंड कराता हूँ वन सच टॉपिक कम्स हम लोगों को ध्यान रखना होता है बच्चे कि हम ऐसे टॉपिक के अंदर इमोशनल ना हो हम अपना जितना प्रेजिज इसके अंदर कम रखेंगे और चीज़ को एज अ बाय स्टैंडर एज एन ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर देखेंगे उतना हमारे लिए बच्चे इसमें फायदे वाली चीज़ रहती है ठीक है और ये यह रिसेंटली एक जाधवपुर यूनिवर्सिटी है यहां का एक केस आया था जिसकी वजह से ये फिर से नेशनल अटेंशन में पहुंच चुकी है दैट इज इज द द कॉन्टेक्स्ट राइट नो दिस साइकोलॉजिकल कॉज द कॉज ऑफ इंडल्जिंग इन रैगिंग इज डिराइविंग सेडिस्टिक प्लेजर प्लेजर माने किसी को तकलीफ पहुंचाकर जो आपको खुशी मिलती है जैसे कि जैसे ग्लेडिएटर्स का हम क्लोजियम के अंदर जो है मैच uh, करवाते थे पहले है ना रोम एंशियट रोम ग्रीस में होता है जैसे होता था कि वहाँ पे ग्लैडिएटर्स फाइट कर रहे हैं आपस में फाइटिंग टू डेथ एंड पीपल आर चेयरिंग एंड लाफिंग एंड पेइंग है ना एक सेडिस्टिक प्लेजर है चीज़ों के अंदर सो so वैसा से कुछ एंगल यहाँ पे इज डिराइविंग सडिस्टिक प्लेजर और शोइंग ऑफ पावर अथॉरिटी और सुपीरियरिटी बाय द सीनियर्स ओवर देयर जूनियर्स और फ्रेशर्स सो ये इसका काइंड ऑफ कॉज है सडिस्टिक प्लेजर इज द कॉज साइकोलॉजिकल कॉज की बात करें आगे चलते हैं <coughs> सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा है इट हैज टर्म दिस एज दिन प्रिवेडिंग द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री कि एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको नहीं होना चाहिए ये प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज कर ली गई है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू है ना और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया उन्होंने कुछ की गाइडलाइंस इशू करी है एंटी रैगिंग सच एज प्रोटोरल कमिटीज प्रोक्टोरल कमिटीज आर द कमिटीज जो कि आपके कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेट करती है हाउ यू प्रैक्टिस समथिंग प्रोक्टोरल कमिटीज वो होती है टू प्रीवेंट रैगिंग एंड इंटरनली एड्रेस कंप्लेन अगेंस्ट रैगिंग है ना तो यह कोर्ट ने क्या बोला रैगिंग इफ इट बिकमेजेबल और अमाउंट टू कॉग्ज कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है ये हम एंड में देखेंगे वीडियो के द सेम में बी रिपोर्टेड टू द पुलिस है ना पहले की तरह नहीं है कि कैंपस में पुलिस नहीं आती थी जूरिजेक्शन नहीं थी अब आती है अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा मस्ट भी रिपोर्टेड टू पुलिस राइट ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे आपके प्रिलियम पॉइंट ऑफ व्यू से कि 2019 के अंदर 2009 के अंदर रैगिंग इश्यू से रिलेटेड एक कमेटी अपॉइंट की गई थी विच वाज हेडेड बाय फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर आर के राघवन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एट यूपीएससी एज वेल एज यी सी जो भी आप स्टेट का प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए भी बच्चे ये इंपॉर्टेंट uh, है द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी वॉर फॉर्मलाइज फॉर्मलाइज बाई यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बिकॉज अल्टीमेटली एक्चुअल कंट्रोल कॉलेज का यूजीसी के पास में ही है <coughs> डेफिनेशन क्या है रैगिंग की एस सुप्रीम कोर्ट के थ्रू इज दैट इट इज एनी डिसऑर्डरली कंडक्ट डिसऑर्डरली कंडक्ट मतलब जो ऑर्डर में नहीं है विच इज अगेंस्ट द कोड ऑफ कंडक्ट उसको बोलते हैं डिसऑर्डर इट इज एनी डिसऑर्डरली कंडक्ट बाय वर्ड स्पोकन और रिटर्न और बाय एन एक्ट दैट हैज द इफेक्ट ऑफ टीजिंग ट्रीटिंग और हैंडलिंग विद रूडनेस एनी अदर स्टूडेंट ठीक है or or teasing, जी किसी को आप तकलीफ दे रहे हो वो आपकी रैगिंग के अंदर आता है है ना इसके अंदर आपका साइकोलॉजिकल हार्म हार्डशिप्स फियर और एप्रीहेंशन देयर ऑफ इन फ्रेशर और जूनियर ठीक है जी <coughs> यह है इसका मुद्दा बेसिकली कि क्या रैगिंग में आता है वाई आई एम इन्वेस्टिंग टाइम इन दिस इज बिकॉज आप अवेयर रहो कि रैगिंग क्या चीज है वेन यू आर अवेयर तो आपको समझ में आता है कि नोइंगली और अन नोइंगली यू माइट भी टेकिंग पार्ट इन इट राइट सो इस टाइप की डेफिनेशन एक यूपीएससी स्पेरेंट के लिए बहुत जरूरी होती है कि है क्या मैं तो नहीं कर रहा कहीं राइट right? चलिए आगे चलते हैं बच्चे तो उसके बाद में 2019 में उन्नीस ने यूजीसी ने एक गाइडलाइंस दी है यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट कि क्या गाइडलाइंस हैं उसकी क्या कुछ उसमें इंक्लूड होता है रैगिंग में आई विल नॉट गो इन टू डिटेल्स है ना आई कीप दिस वीडियो शॉर्ट डिटेल इट टू द्वार मिनट वीडियो तो हम इसको शॉर्ट रखेंगे है ना गाइडलाइंस <coughs> का नाम ये द ऑन करबिंग इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सवाल क्या आएगा जैसे गाइडलाइंस बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बनाई यूजीसी ने तो हमें ध्यान रखना है कि किसने बनाई है तो यूजीसी ने बनाई है यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट पॉजिटिव

एन इन्वेस्टिगेशन विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट है ना कौन कौन से आते हैं वो बेसिकली वेजिंग और अटेम्प्टिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट मर्डर रेप डाउरी डेथ किडनेट इस टाइप के जो ऑफेंसिस हैं जहां पे पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है वो इस, इस uh, कैटेगरी के अंदर फॉलो करते हैं इसका ऑपोजिट है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जहां पे पुलिस के नॉट अरेस्ट एंड अक्यूज विदाउट अ वारंट एंड स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन ऑन इट्स ओन कोर्ट के परमिशन उसके अंदर बच्चे जो है वो लगती है कंपाउंडेबल ऑफेंस जो होते हैं मैं आपको ओरली बता देता हूँ फटाफट कंपाउंडेबल ऑफेंस बच्चे वो होते हैं जहां पे कोर्ट से बाहर आप सेटलमेंट कर सकते वाइल द केस इज गोइंग ऑन नॉन कंपाउंडेबल जहां पे बाहर जो है आप जो मांडवली है वो नहीं कर सकते हो राइट दैट इज ऑल इन टूडेज टॉपिक सब्सक्राइब फॉर मोर थैंक यू